अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देख रहे हैं कि स्वेटर में ऊन की मदद से काज कैसे बनाया जाए। बहुत ही आसान बात है। ये देखिए, मैंने थोड़े से फंदे लिए हैं, सिर्फ मतलब मकसद हमारा काज सिखाना है कि स्वेटर काज की मैं बनाई हुए और सारे सुई धागे नाल तो ना बनाई सी ना, वो तो ऊन नाल ही बनाई सी। ये देखिए, इसमें मैंने इस साइड को बॉर्डर रखा है, ये जड़ी पुठी सिलाई है। हूँ भावें यदा तुम जड़ा ना पे रखो, ये पुठी सिलाई जी ये बॉर्डर है पिया, तो अगू यह जी सीधी सिलाई है ये आम फंदे हैं पे। हूँ मैं तुम दस यही हाँ जो बॉर्डर बनाने का तरीका कहड़ा है। पहले हमारे उल्टी सिलाई पे, उल्टी सिलाई को तो हम बस सीधा सीधा सादगी के साथ बुन ही लेंगे, मतलब उसमें कोई ट्रिक की बात नहीं है, कोई उसका काज से ताल्लुक नहीं है। इस सिलाई को हम सिर्फ बुन लेंगे। ये देखिए, सिर्फ आपने सीधा सीधा इसे बुन लेना है। जी, अब जब हम इसकी सीधी सिलाई पे आए, ये जो स्वेटर का सामने का हिस्सा है, अगला पासा, तो जाहिर है सा काज अगले पासे ही पावना है ना, इस बॉर्डर के उत्ते पावना है। तो पहली बात तो हमने ये याद रखनी है कि बॉर्डर के सामने इस तरह से एक खूबसूरत सी जंजीर, एक नफासत होनी चाहिए। सॉरी, उसके लिए हम करते क्या हैं कि पहले फंदे को बुना नहीं जाता, पहले फंदे को सिर्फ उतारते हैं इस साइड से, उतारा और धागा आगे किया। आगे करके पहले हमने दो फंदे बुनने, एक दो तीन, तीन फंदे बुने और एक हमने उतारा था, चार हो गए ना। अब हम धागा पीछे करेंगे। सॉरी, जब हमने पीछे धागा किया तो अब हम दो फंदों को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि पीछे से आने वाला धागा एक फंदा बनाएगा और सुराख भी बनाएगा। ये देखिए, इस तरह। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई। अब हम आते हैं उल्टी सिलाई पे। उल्टी सिलाई पे हमने ये ख्याल रखना है कि जो फंदा हमने धागा पीछे करके बनाया था, उसी की मदद से ही काज ने बनना है, तो उस फंदे को बहुत ख्याल से हमें बनना होगा। ये देखिए, ये देखिए, अब हम उस वाले फंदे पे पहुंचे। ये देखिए, इसकी ऐसी शक्ल है और इसको हमने इस तरह से बुन लिया। और ये देखिए, उसके बाकी बाद वाले दानों को हमने नॉर्मली बुन लिया। ये देखिए, अब हम अगर इसको सीधी साइड से देखते हैं, ये देखिए, ये काज बन चुका है। ये जो हमने धागा पीछे किया था और दो फंदे बंद किए थे ना, उसकी मदद से ये काज बना है। और स्वेटर में काज इसी तरह बनाया जाएगा, चाहे वो बच्चे की स्वेटर हो चाहे बड़े की स्वेटर हो, क्योंकि ऊन
खिंच जाती है और छोटा या बड़ा बटन उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। हूँ अगली सिलाई दीवारी आ गई है, चेता यो रखना है भी ए अगू खूबसूरती नुमाया रवे। धागा इंजे लाना है, ला के ते धागा अगा करना है। ये देखिए, और उसी तरह से नॉर्मल अंदाज में हमने इसे बुन लेना है। और अब इसके बाद हम कम से कम, ये देखिए, कम से कम 8 से 9 सिलाइयाँ करेंगे और फिर एक काज बनाएंगे। जी आप अगर फर्ज कीजिए कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर जो है वो इस तरह से बना हुआ है जैसे कि सीधी सिलाई की तरह, तो इसमें काज कैसे बनेगा? जब हमारा बॉर्डर इस तरह उल्टी सिलाई की शक्ल का था तो हमने धागा पीछे किया था और काज आगे की तरफ सिलाई बुनी थी। इसमें हम क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि ये सामने वाला जंजीर और ये नीटनेस को ध्यान में रखना है। ये चेता रवे कि बॉर्डर दे शुरू दी जड़ी बटन टेक के उत्ते खूबसूरती का होना जरूरी है। पहला दाना के करना है सिर्फ ला लवना है, ठीक है। अब इसमें बाकियों को हमने बुनना है, 1 2 3 तीन दाने हमने बुने और एक हमने उतारा था, 4 हो गए। अब ये सिलाई क्योंकि सीधी सिलाई है इसको पीछे की तरफ बुनने, तो धागा आगे किया जाएगा काज बनाने के लिए, बटन होल बनाने के लिए, और फिर 2 दानों को बंद किया जाएगा ताकि ये एक नया दाना उसके लिए जगह बना सके। ये देखिए, इस तरह से करके अब हम इस सिलाई को मुकम्मल कर लेते हैं। और इस सिलाई की उन्हीं तरह चेता रखना है कि पुट्ठी सिलाई के उत्ते जिहड़ा असा काज बनाया है उन्हूं फंदे के तौर पर बुन लाउणा है। फर्क सिर्फ इतना है जो पुट्ठी सिलाई की वेरी जदा असा काम किया तो धागा पिछा किया तो बुनिया अगा, तो ये असा क्योंकि पिछा देर बुनना आई इस वास्ते असा धागा अगा किया इतनी अगा लेते। बकाया उन्हें दा उन्हें बिल्कुल आसान और ज़रा भी मुश्किल काम कोई नहीं। और आप जब भी अगर ऊन से, सिलाई से, स्वेटर से बुनने से थोड़ी सी भी अगर आपको दिलचस्पी है तो ऐसी चीज़ें आपके शौक को और उभारती हैं। ये देखें ना, हमारा ये जो होल है इसी को हमने जो धागा पीछे किया था, ये देखिए, इससे हमारा ये एक फंदा बुना गया। और फंदा बुनने के बाद इसकी ये देखिए ये सूरत हाल है। ये देखिए, ये आपका बटन के लिए काज तैयार हो गया। इंशाल्लाह ताला अगले किसी और नए आइडिया के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।